भोपाल में इन दिनों तबादला करवाने वालों का मेला लगा हुआ है। पूरे प्रदेश से कर्मचारी अपने मनपसंद जगह पर तबादला करने के लिए मंत्रियों के बंगले के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भोपाल में तबादलों का हाट बाजार शुरू हो गया है, क्योंकि तबादला कराने के लिए कई दलाल भी सक्रिय हो गए हैं, जो मंत्रियों के बंगलों के बाहर कर्मचारियों को आश्वासन देते हैं कि वे उनका तबादला करा देंगे। और अब इसमें लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। कुछ कर्मचारियों का ये कहना है कि वे पूरी तैयारी से आए, बगैर पूजा के तो कुछ होता नहीं है, इसलिए भेंट और पूजा भी देंगे। कुल मिलाकर जिसका जहां पर जोर चल रहा है, जिसकी जान पहचान है, वो उसका उपयोग कर ये चाहता है कि उसका तबादला उसकी मनचाही जगह हो जाए। कुछ तो भाजपा के नेताओं के लेटर लेकर भी पहुंच गए हैं। सभी को जो मेन चॉइस है वो है इंदौर और अन्य शहर। ये भी पता चला है कि स्कूल शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस में तबादले के लिए ढेरों आवेदन आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि नई तबादला नीति के तहत 50,000 से ज़्यादा तबादले होना है। इनमें सरकारी मशीनरी पर औसत 50,000 प्रति तबादले के हिसाब से 250 करोड़ रुपए का खर्चा आना है। इसके अलावा तबादला उद्योग पर जो ऊपरी लेन देन होगा वो तो करोड़ों में भी जा सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए भी ये पहला साल है जब इतनी बड़ी संख्या में उसे तबादला करने का मौका मिला है। इस समय तो जिधर देखो उधर भीड़ मची हुई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता तबादलों का लाभ उठाकर अपनी भी जेब गर्म करना चाहते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।